हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे आपके क्वांट सेक्शन पर। और क्वांट सेक्शन किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक होगा क्वांट सेक्शन में वो होगा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। हम आपको ये क्वेश्चंस ट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना सिखाएंगे, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, जिसमें आप अपने किसी भी क्वेश्चन में एक्स या वाई बिना माने ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली। और आप सब जानते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का एक क्वेश्चन आपके बैंकिंग या इंश्योरेंस के किसी भी प्री एग्जाम में कंफर्म आता है। तो आपके टोटल क्वेश्चंस होते हैं 35, जिसमें से 10 होते हैं आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस। और इन मिसलेनियस क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस टॉपिक में से, ठीक है। तो इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हम आज आपको बताएंगे। वो ट्रिक्स कुछ ऐसी होती हैं। देखिए, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इसमें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ के एंड एस। हमें के और एस का जो एजेस का रेशियो है हमें वो गिवन है, विच इज 5:8, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेशियो, अब हमें गिवन है डिफरेंस बिटवीन देयर रेशियो आफ्टर 5 ईयर्स विल बी 12 ईयर्स। आपको बताना है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ के, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास गिवन है के और एस का रेशो, ये प्रेजेंट एजेस का रेशो है। ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद उनकी जो एजेस हैं, जो उनका रेशो होगा, उसका डिफरेंस होगा 12 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि अगर किसी दो पर्सन की एजेस के बीच का डिफरेंस कुछ है तो वो डिफरेंस आज भी सेम होगा, अब से 5 साल बाद भी वही रहेगा, अब से 10 साल बाद या 20 साल बाद भी उनकी एज का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है वो ये गिवन है कि 5 साल बाद उनकी जो एज होगा उनका डिफरेंस होगा 12 ईयर्स। डेट मीन्स आज का जो हमें रेशो गिवन है इनका डिफरेंस भी 12 ही होना चाहिए, यही इसमें मेन पॉइंट होता है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, देखो, रेशो के फॉर्म में यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 3, एक्चुअल डिफरेंस क्या है 12। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 इज इक्वलेंट टू 12, डेट मीन्स 1 इज इक्वलेंट टू 4। आपको बतानी है प्रेजेंट एज के की, तो के का जो प्रेजेंट रेशो की वैल्यू है वो क्या है 5, 1 आ चुका है 4, आप निकाल दो 5 विच इज 20। तो के की प्रेजेंट एज क्या आ गई 20 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सारे क्वेश्चन आप बिना किसी वेरिएबल एक्स या वाई को माने आप सिंपल रेशो की हेल्प से ही सॉल्व कर सकते हैं। और रेशो की हेल्प से सॉल्व करने में ये क्वेश्चन बहुत फास्ट वे में होगा और आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, गलती होने के कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम आपको कराते हैं एक नया क्वेश्चन जिसमें हम आपको एक नई ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ आनंद एंड मिलिंद, आप खाली ए एंड एम मान सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट एज का रेशियो ए रेशियो एम है 4:7, ठीक है, ये इनकी प्रेजेंट एजेस है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड 6 ईयर हैंस, मतलब 6 साल बाद की बात कर रहा है वो, देयर एजेस रेशियो विल बी 7:10। देखो, 6 प्लस मिलिंद 6+, क्योंकि 6 साल बाद का रेशो है वो होगा 7:10। हमको बतानी है एम की प्रेजेंट एज ऑफ एम इज व्हाट, ये हमको निकालनी है, ठीक है। तो देखो, इसका एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक होता है जो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जो हमें पहला रेशो गिवन है और जो हमको बाद वाला रेशो गिवन है, इनके बीच में जो आपका आएगा ईयर गैप,
आपको मेनली वो ध्यान रखना है, ईयर गैप क्या है इनके बीच में 6 साल, क्योंकि ये रेशियो कब का है आपका, आज का, प्रेजेंट का, ये 6 साल बाद का, ईयर गैप क्या आ गया 6, लिख लिया, इनटू जो बाद वाला रेशियो होता है। गाइस ध्यान देना, जो बाद वाला रेशियो होता है, बाद वाले रेशियो में जो वैल्यूज हैं 7:10, इनके बीच का डिफरेंस विच इज 3 इन दिस केस, तो हमने लिख लिया 3 अपॉन में आता है गाइस 7:7, 4:7 एंड 7:10, ये दो रेशियो है हमारे पास, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली को माइनस कर दो। दैट मीन्स 7 7 जा 49, 4 10 जा 40, 49 माइनस 40 10, तो यहाँ पे आ गया 10, 2 3 जा 2 5 जा एंड व्हाट वी गेट हियर, देखो, अच्छा सॉरी, डिफरेंस यहां पे आया है 9, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 49 माइनस 40 इज 9, यहां पे 9 आ गया, 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा, तो जो ये हमारी वैल्यू आते हैं ना यहां से, ये हमारी वैल्यू आती है हमेशा 1 रेशो की, तो 1 रेशो इज इक्वलेंट टू 2, हमें निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ एम, और प्रेजेंट रेशो क्या है ये वाला, और एम का प्रेजेंट रेशो की वैल्यू क्या है 7, तो आपको निकालनी है 7 की वैल्यू, 1 इज 2 देन 7 इज 14, तो आपका आंसर क्या आ गया 14 ईयर्स, दैट मीन्स द प्रेजेंट एज ऑफ मिलियन इज 14 ईयर्स। गाइस ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, और आप किसी भी बुक में या आप ऑनलाइन कहीं भी कहीं से भी टॉपिक का क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको 90% क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जिसमें किसी 2% की एज का रेशियो गिवन होगा, या तो वो कुछ साल पहले का होगा, फिर बाद में आपको वही उन्हीं 2% की एज का रेशियो गिवन होगा, वो कुछ साल बाद का होगा, मींस आपको ऐसे ही 2 रेशियो गिवन होंगे, ठीक है, इन रेशियो के बीच में कुछ ईयर गैप होगा। आप फॉर्मूले को ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका आएगा हमेशा ईयर गैप, मल्टीप्लाई करना है आपको जो हमेशा बाद वाला रेशियो होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वैल्यू का, उससे आपको करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई। नीचे जो आता है ना वो हमेशा वो आता है, आप इन दोनों रेशियोज का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस निकाल लो, जो डिफरेंस होगा, जैसे फॉर दिस केस द डिफरेंस इज 9, तो यहाँ पे आ गया 9। अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके जो आपकी वैल्यू आएगी वो हमेशा आपकी वैल्यू आएगी 1 रेशो की, और जब आपकी एक बार 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी तो फिर चाहे आपसे वो ए की प्रेजेंट एज पूछें, एम की प्रेजेंट एज पूछें, ए की एज पूछें 6 साल बाद की, एम की एज पूछें 6 साल बाद की, फिर आप इन चारों रेशो का यूज करके आप किसी की भी एज निकाल सकते हो बहुत इजी वे में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आज हमने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया। बाकी फ्रेंड्स आप सेम इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल है, और इस टॉपिक से और नए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।